विद्यालय में जो बच्चे हैं वो काफी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल से एक बेहतर तैयारी उनकी हुई है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर इस तरीके से इस प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से अभी सर ने भी पूछा और हमने भी एक दो क्वेश्चन करके देखा है, तो वो बेहतर तरीके से जो जवाब है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्मर द जर्नलिस्ट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अनुराग तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है कुशीनगर के बेलभरिया में है और ये बेलभरिया का प्राथमिक विद्यालय है। सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे ही बेहतर नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्कूलों के भी बच्चे बेहतर कर सकते हैं, ऐसा इस विद्यालय ने साबित कर दिया है। बेलभरिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय है ये, यहाँ के शिक्षक है और तमाम छात्र है जो काफी जानकारियां जो है रखते हैं और व्यवस्थित स्कूल जो है ये है। और यहाँ पर संख्याओं की अगर बात करें तो जितनी अटेंडेंस है उस हिसाब से जो बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर शिक्षा देने की कोशिश जो है यहाँ से की जा रही है, इस गवर्नमेंट स्कूल से की जा रही है। इसके पहले आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे जिसमें गवर्नमेंट स्कूलों की काफी बुराइयां और काफी चीजें आपको देखने के लिए मिलती होंगी, लेकिन बेलभरिया का ये प्राथमिक विद्यालय और यहाँ के बच्चे बड़े यूनिक। हमारे साथ सर भी मौजूद है, किस तरीके से संभव हुआ और क्या क्या चीजें आपने अभी छात्रों को बताया है? सर जी, हम लोगों ने जमीनी स्तर से मेहनत करना शुरू किया। जब 2015 में स्कूल चालू हुआ है तो विद्यालय केवल विद्यालय के रूप में नहीं था, केवल प्लास्टर हुआ था, छत लगा था। हम लोगों ने शुरू से शुरू किया है इसमें और जीरो नामांकन से लेके आज हमारे पास लगभग 215 बच्चे से अधिक नामांकित हैं और 215 में से लगभग 80-85% बच्चे आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ छात्रों को आप बुलाएं और एक एक करके आप खुद ही क्वेश्चन करें कि किस तरीके से उनकी तैयारियां कराई आपने, किस तरीके से कैसे शुरुआत हुई इस गांव में, छोटे से गांव में जो है इतने कॉन्वेंट स्कूल से भी बेहतर मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चे आज जो है उनके पास नॉलेज है। बिल्कुल सर, हम अपने कक्षा 5 के बच्चों को बुलाना चाहेंगे, 4-5 बच्चों को। विवेक आओ, अब इनसे जो है हम जो भी सवाल करेंगे इनके सिलेबस से या GK GS से या जिससे भी सवाल करेंगे ये बच्चा बता देगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न बच्चे से पूछा जाएगा लगभग एक GK GS में तैयार। इसके अलावा मैथ है, फिर साइंस भी है और हिंदी भी है। इन सबसे अगर सारे प्रश्नों को पूछा जाए, जैसे सूर्य का पर्यायवाची बताइए। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। पृथ्वी का? पृथ्वी का धरा, भूमि, वसुंधरा और वसुंधरा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, कम से कम 2 पर्यायवाची 3 पर्यायवाची इन बच्चों को लिखाया गया है, पढ़ाया गया, समझाया गया है। तो उसके आधार पे जो सारे बच्चे हैं हमारे 3-4-5 में, चूंकि स्टाफ की कमी है, 2-3 लोग हैं और 200 बच्चों को संभालने में और पढ़ाने में फिर विभागीय कार्य निपटाने में बहुत ही समय लग जाता है। कि और क्लास के बच्चों को आप भेजे ताकि वो कुछ राजधानी के, मैं उनसे खुद नाम पूछ लूं और वो राज्यों के राजधानी के नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी? नई दिल्ली। जैसे बोले लखनऊ। भारत की राजधानी? नई दिल्ली। उत्तराखंड? देहरादून। तो इस तरीके से इस विद्यालय में जो बच्चे हैं वो काफी एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल से एक बेहतर तैयारी उनकी हुई है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर इस तरीके से इस प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से अभी सर ने भी पूछा और हमने भी एक दो क्वेश्चन करके देखा है, तो वो बेहतर तरीके से जो जवाब है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुश्किलें कुछ भी नहीं होती है, अगर कोशिश करने वाला इंसान है तो उसके लिए हर मुश्किल जो है आसान हो जाती है और ऐसा साबित करके दिखाया है इस बेलभरिया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने। तो इसी तरीके से हम अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं और आपको अलग अलग तरीके की वीडियोस दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग जो है अलग कर रहे हों, अलग करने की कोशिश किया है उन लोगों ने, उन लोगों को हम जो है दिखाते हैं। तमाम अन्य ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फॉर्मर द जर्नलिस्ट। नमस्कार।